मेरा नाम अर्जुन दास ग्रोवर है, पाकिस्तान मुल्तान की आइटम है ये। वहाँ हमारे पिताजी करते थे, हमारे भाई भी करते थे बड़े। उसके बाद हमने हरियाणा में स्टार्ट करा, गुड़गांव 10-12 साल वहीं काम करा। फिर हरियाणा को छोड़ के फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में 1982 में हमने ये काम है स्टार्ट करा और इस काम को करते करते 38-40 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 70 साल के करीब होगी, 1952 को। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले यहाँ पे लोग रखते थे आपकी हेल्प के लिए, अब कोरोना में कितना फर्क पड़ा? पहले हमारे पास काम बहुत था, बहुत काम था, दो दो तीन तीन लेबर रखी हमने, लड़के भी काम करते थे हमारे। कोरोना के चक्कर में काम मंदा हो गया, इसके चक्कर अब लेबर नहीं रखते, काम नहीं है, लेबर कहाँ से रखे। मेहनत की कोई उम्र नहीं होती, और गाइस इस बात को पूरा प्रूफ कर रहे हैं अर्जुन दास जी। अर्जुन दास जी की कहानी आपने उनके मुंह से सुनी ली है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी ये हुई है कि तिलक नगर में मार्केट में, मेन मार्केट में, एक 70 साल के अंकल इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और अभी तक ये एक हिडन जेम है, किसी ने इनको कवर नहीं करा। और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, जबकि तिलक नगर एक ऐसी मार्केट है जो यहाँ की हर एक दुकान, हर एक ब्लॉगर ने बना रखी है, लेकिन इनकी वीडियो किसी ने नहीं बनाई थी। तो भाई आपको पता है यार, फूडी सांड तो हमेशा जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी मेहनत करने वाले हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनकी सपोर्ट में हमेशा निकलते ही हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ आइए अर्जुन दास जी के पास, यहाँ की वीडियो बनाइए और इनको थोड़ा और इनकी हेल्प करिए, ताकि और लोग यहाँ से आए यहाँ पे और इनका टेस्ट करें। अब मैं आपको एड्रेस बता दूंगा इस एक बार, तिलक नगर में। अभी फ़िलहाल हम 7 मंजिला मंदिर है हमारे पीछे, तो 7 मंजिला मंदिर से जैसे आप थोड़ा सा इधर आएंगे ना, तो आपको अर्जुन दास जी की ये कार्ड दिख जाएगी। और साथ में है जीनत इलेक्ट्रिकल्स, तो जो उसके पास में है, और 1982 से कार्ड है, सब कुछ तो आपने जान ही लिया होगा उनके मुंह से, उन्हीं की जुबानी। अब चलिए इनके पास चलते हैं और यहाँ की आपको फूड आइटम्स दिखाते हैं, आइए। तो गाइस एक छोटी सी कार्ड है जिसके अंदर अंकल ने 3-4 आइटम्स रखे हुए हैं। अंकल जी ये बड़ी वाली का छोटी है, छोटी वाली है? छोटे वाली है, बड़ी वाली टीन में पड़ी है। बड़ी वाली टीन में पड़ी, ये छोटी है? ओके, तो ये 20 रुपये की प्लेट है, 20 की दो है, ओके। और वो बड़ी वाली 30 रुपये की दो है, और मोट चावल है ये बड़ी वाली 30 की दो। दिखाएंगे अंकल जी एक बारी, ये देखिए गाइस, अंदर तो अंकल जी मोट दाल की फिलिंग है, उरद दाल की, क्या भरते हैं अंदर? मोट है, मूंगी धुली। मूंगी धुली, अच्छा। ये काफ़ी जगह मैंने कचौड़ी में ना उरद की दाल की फिलिंग भी देखी है, पिट्ठी जो यूज़ करते हैं। तो ये 30 रुपये की गाइस, वो 20 रुपये की है। कचौड़ी तो सेम ही है, बस साइज़ का फ़र्क है, है ना? क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, क्वांटिटी बढ़ जाती है, सही बात है। तो 30 वाली भी है गाइस और 20 वाली भी है, तो आप जो सी चाहे वो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मोट चावल भी आपको मिलने वाले हैं। मोट चावल कितने के अंकल जी? 20 के हाफ है, और उससे बड़ा लेना हो तो 30 के, ओके। तो ये चावल, आइए आपको चावल और दाल करीब से दिखाते हैं। तो गाइस ये चटनी है यहाँ पे अंकल जी, किस चीज़ की चटनी है? धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। अच्छा, और इमली होती है बगैर बीज के, बगैर बीज के इमली, ओके। और ये मसाले वगैरह, ये क्या क्या है मसालों में? मसाले में लाल पाउडर होता है, मिर्ची। अच्छा, और ये सिरके वाले प्याज है? प्याज सिरके वाले, नींबू वाले। हाँ जी, और अंकल जी दाल दिखाइए मुझे, आपकी जो दाल का कलर है ना, बहुत ही नेचुरल सा लग रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मसाले डालने की आपने ट्राई नहीं करा है, है ना? ये देखिए दोस्तों, एक बार दाल देखिए आप, वरना मोट कचौड़ी वाली जो दाल होती है काफ़ी बार थोड़ी ओवर स्पाइसी लगती है, कि ऊपर स्पाइसी है उस पर, लेकिन यहाँ पे मुझे कलर बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है। मसाले वगैरह अंकल जी कम ही ऐड कर रखे हैं ना? कलर डालते नहीं, जो कलर है वही है। अच्छा, और मसाले भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपने ऐड नहीं करे हैं, नमक डालते हैं, सिर्फ नमक डालते हैं, बाकी मसाले जैसे कि आपने कहा कि ऊपर से डालते हैं, सब ऊपर से डालते हैं। तो अपने हिसाब से गाइस आप यहाँ पे स्पाइसीनेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उतना ले सकते हैं। और चावल भी आपको दिखाई, चलो तीनों आइटम्स हम लेंगे यहाँ पे और आपको टेस्ट करके बताएंगे। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी, आपको मैंने वंश की कहानी दिखाई थी गाइस, 18 साल का वो लड़का था जिसकी वीडियो आपने बहुत पसंद करी थी। अब काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार वहाँ पे रेट ज़्यादा है, यहाँ पे रेट कितना सही है। और ये वो वाली पापड़ी नहीं है ये, जो आपको रोड पे मिलती है, पापड़ी और दाल मिलती है, ये एक्चुअली में मोट कचौड़ी है, मुल्तानी मोट कचौड़ी। आइए भाई तीनों आइटम्स लगाते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं, आइए। तो भाई चलिए अपने तीनों आइटम्स लगवाते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं। अंकल जी एक तो बड़ी कचौड़ी की प्लेट लगा दीजिए, उसको तोड़िएगा मत, और छोटी वाली जो है उसको तोड़ के दे दीजिएगा, और एक प्लेट मोट चावल के 20 वाले।
ये बड़े वाले बना दीजिए, तीनों चीज़ बना दीजिए। अंकल जी थर्माकोल की जगह वो वाली प्लेटें हो सकती है, यूज़ कागज़ वाली चला दो। हाँ ये वाले वाले जी, क्योंकि ना हमारे जो सपोर्टर है ना वो कहते हैं कि थर्माकोल का यूज़ नहीं करो आप, और मैं आपकी पूरी सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इसका ध्यान रखता हूँ। हाँ जी अंकल जी, इसमें लगा दीजिए। भाई पहले दाल डल चुकी है हमारी, और यहाँ की चटनी, यहाँ की मसाले, और मिक्स करके मीडियम कर दीजिएगा मसाले, और चावल। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप अंकल को बोल सकते हैं कि भाई स्पाइसी कर दो। प्याज, और ये आ गया भाई नींबू, और देखते क्या क्या डलता है। मिर्ची का अचार, क्या बात है, हाँ डाल दीजिए। आंवले का अचार, अच्छा सही है अंकल जी। सारी चीज़ें घर पे बनाते हैं? घर पे। अच्छा कचौड़ी यहाँ रख दीजिए, ये 230 वाली कचौड़ी है, बड़ी बड़ी है ना, लाइए अंकल जी। एक प्लेट छोटी कचौड़ी की बना दीजिए। हाँ ये टूट, हाँ तोड़ी हुई, ये वही है ना टूटी हुई है ना। हाँ ठीक है, पहले ही अंकल ने तोड़ रखे ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम ना लगे यहाँ पे। पानी है, मसाला, चटनी, प्याज सब चलेगा ना? और लहसुन प्याज डालते हैं अंकल दाल के अंदर? नहीं, सही है। सिर्फ नमक? सिर्फ नमक है। आपकी दाल का कलर ही बता रहे हैं अंकल जी। ये आ गए भाई, आप चाहें तो तोड़ के भी ले सकते हैं दोस्तों, और मैं कहूँगा कि आप तोड़ के ही ले, आपको ज़्यादा आसानी होगी खाने में, लेकिन मेरे को आपको दोनों तरीके से दिखानी थी इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से दिखाई है यहाँ पे। इसमें भी वही सेम चीज़ है भाई, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब मैंने मास्क पहना हुआ उसके बाद भी मास्क को पार कर रही है, क्या बात है। लाइए अंकल जी, ये भी हो गया। एक मोट चावल की प्लेट और लगा दीजिए हमारी, तो गाइस हमारी मोट चावल की प्लेट लग रही है इधर। हमने चावल, दाल, मसाले, चटनी, और ये कर दिया अंकल ने मिक्स, और ऊपर से और चावल। ये 20 की प्लेट अंकल जी? 20 की है, ओके। तो इसके अंदर ऊपर सेम चीज़ है भाई, नींबू और हरी मिर्च जो कि मुझे बहुत पसंद है, और आंवले का अचार। तीनों चीज़ें आ चुकी हैं हमारी, अब तीनों चीज़ों का भाई एक बढ़िया सा थंबनेल निकालते हैं, एक फ़ोटो दे लेते हैं बढ़िया सी, ताकि आप इस वीडियो पे क्लिक करें और आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो गाइस हमारी 20 वाली छोटी कचौड़ी की प्लेट आ चुकी है, जिसमें आपको दो कचौड़ी मिलने वाली है, साथ में इतनी सारी चीज़ें जो आपको दिखाई थी मैंने, दाल मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बाकी और चीज़ें जो हमने ली है वो ये रही, बड़ी वाली कचौड़ी दो ली है, साथ में दो प्लेट हमने मोट चावल के लिए। तो पहले आपको ये टेस्ट करके बताता हूँ भाई कैसा टेस्ट आता है। और ना यार खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे लग रहा टेस्ट अच्छा होगा ही यार। एक और लूँगा यार मैं। ये कुछ ऐसी चीज़ है आपका पेट भर जाए लेकिन भाई आपका दिल नहीं भरने वाला, इतनी टेस्टी मोट कचौड़ी। सच बताऊँ ना तो जितनी भी जगह मैंने मोट कचौड़ी खाई है ना उसमें ज़रूरी स्टैंड करेगी टॉप पर, टॉप 10 में, टॉप 3 में तो हमेशा पक्का स्टैंड करेगी, इतनी टेस्टी मोट कचौड़ी है ये। यार आप सब सोच रहे होंगे कि मैं बहुत वीडियोज़ में तारीफ़ करता हूँ खाने की, पर इतनी तारीफ़ ना दिल से निकल रही है तारीफ़, इतना टेस्टी लग रहा है मेरे को। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। मसाले कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों, एक स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है बहुत ही यार, मतलब लग रहा है कि दाल मखनी खा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं मेरे को मोट दाल नहीं लग रही, मेरे को दाल मखनी का स्वाद आ रहा है इसमें, बहुत टेस्टी लग रही है यार। आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, मगर बाकी चीज़ें तो दिखाऊँगी यार, टेस्ट में भूल ही गया कि आपको बाकी चीज़ें तो दिखाई नहीं पाया मैं। ये देखिए एक बारी, तो भाई बड़ी कचौड़ी है,
अब तोड़ गए, मैं आपको अंदर की फीलिंग दिखाना चाहता हूँ। बड़ी फीलिंग गाइस, मैं कहूँगा कुछ खास फीलिंग तो नहीं है, अंदर की साइड में कहूँगा ठीक है, नॉर्मल है, इस साइड है थोड़ी अंदर की साइड की साइड है, लेकिन जो टेस्ट है बहुत कमाल है, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। मेरा इसमें कुछ भी नेगेटिव बोलने का मन ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, इतना बढ़िया टेस्ट लग रहा है यार। अंकल जी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और मसाला तेज करना है तो? नहीं, मसाला इतना परफेक्ट है अंकल जी, मैं क्या बताऊँ आपको, इससे टेस्टी मूठ कचौड़ी मैंने नहीं खाई अंकल जी, मज़ा आ गया भाई। मुझे दाल ही इतनी स्पेशल है यहाँ की, इसके साथ आप चावल खाएंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे, और कचौड़ी खाएंगे तो वो तो है यार बढ़िया। बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने आपको कहा था एक्स्ट्रा मसाले नहीं है गाइस यहाँ पे, अगर आपको फिल करवाना है स्पाइसी चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, बट मैं कहूँगा नॉर्मल में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप चाहें तो एक चम्मच खा के टेस्ट कर लिया आपने, उसके बाद ऊपर से मसाले डलवा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे अचार के साथ लेते हैं। खट्टे आमले का अचार, शायद मैं इतना लंबा खाने का टेस्ट नहीं रखता, लेकिन इतना टेस्टी खाने तक मुझे पता नहीं चल रहा है, एक एक बाइट ले रहा हूँ ना मैं, मुझे फील नहीं हो रही वो चीज़, मन करके बस खाते जाऊँ खाते जाऊँ, बोलूँ कम। टाइम में बताता हूँ एक बारी, अंकल जी यहाँ पे दोपहर 1 बजे से लगाते हैं और रात 9 बजे तक है, और 7 दिन है यहाँ पे। आप आइए ट्राई करिए भाई, सामने से मेट्रो जा रही है तो आपको पता चल जाएगा कितनी पास है मेट्रो से, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन आपको सबसे करीब पड़ने वाला है यहाँ पर, 7 मंजिला मंदिर, मैंने आपको एड्रेस बता ही दिया। अगर आपने ट्राई करा, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, ये मेरी गारंटी है इसमें, आइए ट्राई करें। और अंकल को भी हमारी नीड भी है दोस्तों, प्लस इनके पास जो टेस्ट है वो तो कमाल है यार, अगर ये एक जवान भी बेच रहे होते ना तब भी इस टेस्ट के साथ मैं प्रमोट करता। आइए ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, मिलते हैं।